नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। बंसीधर नगर पुलिस को सबसे बड़ी सफलता मिली है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नीरज कुमार ने रविवार को आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बीते दिन 15 सितंबर को करीब 8 बजे पुलिस अधीक्षक शिवानी तिवारी को गुप्त सूचना मिली थी कि ढुरकी थाना क्षेत्र के अम्बा खोरिया में किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में कुछ लोग थे। नगर उटारी थाना प्रभारी निरंजन कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया। बंसीधर नगर व ढुरकी पुलिस ने 5 सड़क लुटेरों को ढुरकी थाना क्षेत्र के अम्बा खोरिया के कनुआ ढोड़ा के पास से खदेड़कर गिरफ्तार कर लिया। संध्या करीब 7:30-8 बजे के करीब एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई, कुछ लोग जो है ढुरकी के क्षेत्र में गलत कार्य के लिए एकत्रित हुए। उस सूचना पर थाना प्रभारी निरंजन के नेतृत्व में एक टीम का गठन करके ढुरकी थाना भेजा गया, जहाँ से 2 ASI, 1 ASI और 1 सब इंस्पेक्टर सभी लोगों ने मिल करके अम्बा खोरिया के पास एक टोला है, घोड़ा है, उस जगह पर रेड किया। उनको देख करके सभी लोग भागने लगे, जिसमें से 5 लोग पकड़े गए और 2 लोग भागने में सफल रहे। इन लोगों के पास से 3 कट्टा, 2 पिस्टल, 1 पिस्टल और 2 कट्टा बरामद किया गया और पूछे जाने पर इन लोगों ने अपनी संलिप्तता जो है आज से करीब 1 महीना पूर्व करीब 27/8 को अम्बा खोरिया के पास परासपानी मोड़ पे एक लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें इन लोगों ने 1,17,000 रुपये की लूट की थी, जिसके संदर्भ में इन लोगों ने अपनी ये स्वीकार किया है कि हम लोगों ने उसमें हम लोग थे, जिसमें से 2 लोग भागने में सफल रहे। गिरफ्तार आरोपी में डंडई थाना क्षेत्र के रारो ग्राम निवासी अयूब अंसारी, मेराल थाना क्षेत्र के बंका ग्राम निवासी जितेंद्र कुमार बीआर, ढोरकी थाना क्षेत्र के प्रासपानी ग्राम निवासी देव पूजन खरवार उर्फ बघवा, डंडई थाना क्षेत्र के बालेखाड़ ग्राम निवासी रंजीत सिंह उर्फ मोहन डंडई, थाना क्षेत्र के पचौर ग्राम निवासी अर्जेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया, गढ़वा जेल भेज दिया गया। इन सभी आरोपियों के पास से देसी कट्टा, 1 रिवाल्वर, 3.15 का 2 जिंदा गोली, 0.38 का 2 जिंदा गोली, 1 खोखा, 2 चाकू व मोटरसाइकिल बरामद किया गया तथा आपराधिक कर्मियों को बैठने वाले स्थान से शराब का पाउच, सिगरेट, खैनी, चुनौती आदि सामान जब्त किया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि पकड़े गए सभी अपराधी कर्मियों से पूछताछ के क्रम में अपराध कर्मियों ने बताया कि यह सभी ढुरकी से छत्तीसगढ़ की ओर जाने वाली गाड़ियों के साथ लूटपाट की योजना बना रहे थे। इसी दौरान पुलिस पार्टी पकड़ ली योजना में शामिल पकड़े गए 5 अपराध कर्मियों के अतिरिक्त 2 अपराध कर्मी अंधेरे का लाभ लेकर भागने में सफल रहे। उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि 27 अगस्त को पराशपानी में महिला समूह की समिति का पैसा कलेक्ट करने वाले हैं भारत इंक्लोजर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजर राजेश पंडित से लूटपाट की बात को स्वीकार किया। इस लूटपाट की योजना अयूब अंसारी एवं सीबू जन सिंह के द्वारा बनाया गया था, जबकि देव पूजन सिंह बघवा के द्वारा मैनेजर के आने जाने का लोकेशन दे रहा था। इस घटना को 27 अगस्त को 2 मोटरसाइकिल से 6 अपराधिक कर्मियों के द्वारा पिस्टल एवं चाकू का भय दिखाकर घटना का अंजाम दिया गया था। लूटे गए 1,70,000 रुपए नगद एवं दस्तावेज लूट लिया गया था। अपराध कर्मियों के निशानदेही पर 10,000 नगद एवं दस्तावेज बरामद किया गया। घटना को अंजाम देने वाले 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छापेमारी टीम में प्रभारी ढुरकी थाना प्रभारी रमेश चंद्र सिंह, प्रशिशु दरोगा राजेश मुंडा, जावेद अंसारी, शानी खजाउद्दीन, शिबू सोरेन, सशस्त्र बल के जवान में अविनाश कुमार गुप्ता, उमेश सहित कई लोग शामिल थे। धन्यवाद।